वेलकम टू A1 किचन। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ कटलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो रेसिपी पूरा देखिए, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। इसमें 5 हरी मिर्चें हैं, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं, और इनको हमने दरदरा पीसा हुआ है, और ये मसाला ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें 100 ग्राम चिकन डाली हूँ, छोटे छोटे पीस करके, और उसको इतना पकाएंगे कि उसका कलर चेंज होने तक। 1/2 चम्मच काला मिरी, ये वाइट काला मिरी है, ये चाइनीज़ में बहुत टेस्ट देता है। 2/2 फ्लेम पे कंटिन्यू करेंगे चिकन का कलर चेंज होने तक। और अगर आपको वेज बनाना है तो इसकी चिकन की जगह सोयाबीन ले सकते हैं, और अंडे की जगह कॉर्नफ्लोर और मैदा ले सकते हैं। नमक ऐड करेंगे। अब चिकन का कलर वाइट हो चुका है, अब इसमें हम 1 ग्लास पानी छोड़ेंगे और उसे धीमी आंच पे पकने देंगे चिकन गलने तक। 10 से 15 मिनट तक ढक के रखेंगे चिकन गलने तक। अब हम चेक करेंगे कि हमारा चिकन गला है कि नहीं। चिकन गल चुका है, अब इस यखनी को हम 1 अलग ग्लास में निकालेंगे। हमने सब पानी निकाल लिए हैं, अब इसमें थोड़ा पानी रखे हैं। अब इसको चम्मच की मदद से मैश करेंगे। हमने इस चम्मच की मदद से उसे मैश किया है। थोड़ा पत्ता है, उसे उसके प्याज को दरदरा सब पीस लिया है। अब गाजर ऐड कर रहे हैं, सब में पहले गाजर, क्योंकि गाजर पकने को थोड़ा देर लगता है। इसे 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। 1 प्याली शिमला मिर्ची, वे मटर और कॉर्न, और इसे 2-4 मिनट 2/2 फ्लेम पे भून लेंगे। अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, उनके टिफिन में भी दे सकते हैं। 1 प्याली गोभी पत्ता, 1 कम सब्जी में ढेर सारे बन सकते हैं। एक प्याली कांदा पत्ता है, बस कांदा पत्ता डालने के बाद हम 1 से 2 चम्मच चला लेंगे और हमारा गैस बंद कर देंगे, क्योंकि सब्जी करंची करंची रहना चाहिए तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। अब इस मोड़ पे हम 1/2 चम्मच सफ़ेद काला मिरी डालेंगे। आप ब्लैक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये है तो मैं ये डाल रही हूँ। एक चम्मच टमाटर केचप डाला है, ली सॉस है 1 चम्मच, 1/2 चम्मच सोया सॉस,
आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इस सब को मिक्स करेंगे, साइड में रख देंगे। अब थोड़ा सा इस कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि उसका कच्चापन आटे का सब निकल जाए। और धीमी आंच पे भुनना है। तो हमने चिकन की यखनी निकाले थे, अब वो हम ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह हिलाते रहेंगे कि वो एक अच्छा सा घोल बन जाए। अब ये घोल पूरी तरह से हो चुका है। अब इसमें जो मसाला तैयार किया था वो ऐड करिए। ये मसाला इस तरह भुनेंगे, भुनते भुनते वो एक जान हो जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये कढ़ाई को चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा मसाला तैयार है। इसको अभी चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह हो गया है। अब इसके हम कटलेट्स बनाएंगे। जो शेप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। ये थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ऐसा गोला बना के कुछ इस तरह का शेप देकर हम बाकी के सब तैयार करेंगे। कुछ इस तरीके से सारे कटलेट बनाकर रेडी कर लिए। अब दो अंडे डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। ज्यादा भी नहीं फेंटेंगे, कम भी नहीं फेंटेंगे। इस तरीके से देखेंगे कि परफेक्ट हुआ है क्या। अगर पतला होता है तो कटलेट्स सही नहीं बनते। मैं तेल गरम कर लिया है कटलेट तलने के लिए धीमी आंच पर। अब ये अंडे में डीप करेंगे और ये इस तेल में कटलेट छोड़ देंगे। अब ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम उलट पलट कर अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छा उलट पलट करके फ्राई किया है। अब ये रेडी है। कितने आसान तरीके से कितनी मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी आप नाश्ते के तौर पे या खाने के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।